Good morning, sir. Yes, disconnecting. That is why I'm not able to like hear you or see the screen. थोड़ा इंटरनेट इश्यूज है आपके यहाँ पे. एक बार देखो अच्छी जगह फाइंड आउट. स्क्रीन एकदम क्लियर. And even your voice is not clear. If it is like audible, then also it is. Componendo and dividendo. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, और राइट हैंड साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो जो चीजें आप करोगे लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड हो जाएगी. मतलब आपने क्या किया, मान लो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर माइनस लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर अपॉन लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कर दिया, तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर माइनस राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर अपॉन राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर. तो जो एल के लिए होगा वो सारा का सारा आर के लिए भी होगा ही होगा. बोथ आर इक्वल. तो सेम वे मैं क्या करता हूँ, ऐसी चीज बनाने की कोशिश करता हूँ. तो ये चीज कैसे बना सकता हूँ, देखो आइडेंटिफाई करना ये बनाने वाला हूं मैं. कैसे बनाऊंगा, देखो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. समझ आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कितना है राइट हैंड साइड का, 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 3. सो दिस इज 1 बाई 7. सो नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्टेड टू 6 बाई 7 कॉमा 1 बाई 7. सो दिस इज योर आंसर. Please note it down. एक बार फिर से समझाओ ना. सिंपल सा फंडा यार. व्हाट इज द लॉजिक, जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेशन होगा वही राइट हैंड साइड में ऑपरेशन आपको करना है. तो अगर x by y आपके पास 3 by 4 दिया है, आपको निकालना है y minus x upon y plus x. ये कब निकलेगा, जब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करोगे, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करोगे. डिनोमिनेटर क्या है, 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 3. समझ आ गया, 1 बाय 7. फंडा क्लियर है? यस सर. चले आगे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपका कर दिया है, अब 7 में आ जाते हैं. 7 के लिखा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 गिव्स अ रिमाइंडर 43. व्हेन द व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑब्टेंड व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17. ओके ठीक है. तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. देखो ये सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ फंडा अलग है, इसीलिए हमसे नहीं हो पा रहे थे. अब इसमें क्या लॉजिक है, देखो व्हेन अ नंबर गेट्स डिवाइडेड बाय 221, तो अगर मैं एक नंबर को 221 से डिवाइड करता हूँ, सो समथिंग लाइक दिस, लेट्स से एक नंबर है 221 से उसको मैंने डिवाइड करा, ठीक है. सो व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 221 गिव्स अ रिमाइंडर 43, तो वो रिमाइंडर 43 दे रहा है. तो कुछ क्वेश्चन रहा होगा और सॉल्विंग के बाद 43 रिमाइंडर रहा होगा. तो मैं बोल सकता हूँ जो नंबर है, एनी नंबर कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. किसी को डाउट है तो मुझे बताएंगे आप. यहाँ पे डाउट है तो यू लेट मी नो प्लीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आगे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा हूँ. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी इट्स रिमाइंडर. तो अगर मैं इसी नंबर को 17 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा. तो अगर मैं 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन सोचूं,
ठीक है, तो 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखो 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 17 इंटू 13. इज इट क्लियर? नंबर को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 17 इंटू क्वेश्चन प्लस 43. इज इट क्लियर? सही है. तो अब यही नंबर को मैं क्या करूंगा, 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा. तो लेट्स ऑब्जर्व, नंबर को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 17 इंटू क्यूब प्लस 17 इंटू 2 34 प्लस 9 हो जाएगा. अब मैं क्या 17 कॉमन निकाल सकता हूं, तो 17 इन ब्रैकेट 13 टाइम्स क्यू प्लस 2 प्लस 9. तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, ये देखो लिखने का तरीका है. इस लिखने के तरीके ने क्या बता दिया, उसी नंबर को 17 टाइम्स सम क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर में लिख दिया. यस, किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. अब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 17 डिवाइजर हो गया. बाकी जो स्टोरी ये लिखी हुई है ये क्या बन गई है, ये क्या बन गया आपके लिए, ये बन गया क्वेश्चन और 9 क्या बन गया रिमाइंडर. सो द आंसर इज 9. सो द आंसर इज 9. क्या ये फंडा सबको क्लियर है, सबको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो मैंने सेवेंथ भी आपका कर लिया है. ठीक है, तो सेवेंथ का आंसर आप देख लें. एट, एक सेकंड मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ. सो वापस एक बार ऑप्शन करो फिर से, वापस बताओ फिर से समझाओ एक बार. साइन कैसे आया? सो वापस यार, किसी भी नंबर को लिख दिया, किसी भी नंबर को हमने लिख दिया है 221. स्वाति ने टाइप किया था कुछ सबको, तो ना यहाँ पे वो आया ना, तो मैंने इसको ऐसे देख के जाके देखा ना, तो ऑटोमेटिक बंद हो गया, पूरा स्क्रीन ही हट गया. तो फिर बैक पे क्या हो गया, रिद्धि क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ. रिद्धि क्या बोल रही है, अब किसी भी नंबर को हम 221 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी नंबर को लिख सकते हैं 221 टाइम समथिंग प्लस रिमाइंडर. ये स्टेप सबको क्लियर है? अब 221 को मैंने फिर से लिख दिया 13 इनटू 17 इनटू सम क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. नेक्स्ट, अब उसी नंबर को मैंने क्या कर दिया, देखो ब्रेक कर दिया. तो कैसे ब्रेक हो गया, देखो 43 को लिखा 34 प्लस 9. अब सब में से 17 जिसमें से कॉमन निकाल रहा है, 17 कॉमन निकाल दिया बाहर, 17 टाइम्स 13 क्यू प्लस 2 प्लस 9 बचा. अब नंबर को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन, ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा, डिवाइजर. उसको नोट कर लेंगे आप. ठीक है, बहुत सिंपल. 27 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 क्वेश्चन आता है, 2 रिमाइंडर आता है. सो 27 कैन बी रिटन एज, या एक काम करो 37 ले लेते हैं. तो यहां पे रहेगा, तो 37 को लिख सकते हैं 5 इनटू 7 प्लस 2. तो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिवाइजर. मैं बुलाऊं ऊपर आगे नंबर आते हैं वो भी. Mute everyone. Next question देख लेते हैं. चलो सातवां भी हो गया आपका, सेवेंथ इज डन. अब टेंथ की बात करते हैं, टेंथ में आ जाओ. टेंथ में क्या लिखा है, अच्छा एट भी डाउट है बच्चों को, एट देख लेते हैं पहले. एट, एट को क्या बोल सकता हूं मैं, ए मेरे पास है रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 1, बी है मेरे पास रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस 1. तो यहाँ से क्लियरली मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, व्हाट कैन आई ऑब्जर्व फ्रॉम योर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट.
root 5 plus 1 upon root of 5 minus 1 plus root 5 minus 1. B mein kya jayega? Root 5 minus 1 aa jayega upon root 5 plus 1. LCM kya jayega? Root 5 plus 1 ka square plus root 5 minus 1 ka square upon root 5 minus 1 into root 5 plus 1. A plus B kya ho jayega aapke paas? 5 plus 1 plus 2 root 5 plus 5 plus 1 minus 2 root 5 upon 5 minus 1. So, 5 plus 5 10 plus 2 12. 12 upon 4 which is 3. Is it clear? Ab A minus B don't leta hu. A minus B kya jayega? Root of 5 plus 1 upon root of 5 minus 1 minus root 5 minus 1 upon root 5 plus 1. Ye ban jayega root 5 plus 1 ka square minus root 5 minus 1 ka square upon 4. 5 plus 1 plus 2 root 5 minus of 5 plus 1 minus 2 root 5 by 4. So, ye ho jayega 5 plus 1 6, 5 plus 1 6, 2 root 5 plus 2 root 5, 4 root 5 by 4 is root of 5. A minus B aa gaya mere paas root of 5. Ab question kya likha hua hai? Let me simplify the question as well for you. Question mein kya likha hua hai? Question mein likha hua hai, aapko nikalna hai a square plus ab plus b square upon a square minus ab plus b square. Ab dekho, pehle to aap ek aur cheez identify kar lo. A aur b ek dusre ke reciprocal hai, to ab kitna aayega? 1 aa jayega. Ab main question ko likhta hu a plus b whole square minus ab. Niche wale ko a minus b whole square plus ab. ठीक है, क्या कर दिया? a plus b whole square minus ab लिखा. क्यों? अगर जब इसको ओपन करोगे क्या खुलेगा? a square plus 2ab plus b square minus ab. तो 2ab minus ab will become plus ab only. यही चीज आ जाएगी आपके पास. ठीक है, ये क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं. इनको वापस से एक बार वीडियो आप जाके देखें, मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद. अब a plus b का whole square क्या लिखा हुआ है बताओ आप? a plus b 3 है, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस ab कितना है? 1. अभी ऊपर हमने सॉल्व किया. ये नीचे a माइनस बी, ए माइनस बी कितना है? रूट ऑफ 5, उसका स्क्वायर माइनस ऑफ 1, यहाँ पे प्लस ऑफ 1. तो क्या जाएगा? 9 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 6, व्हिच विल बी 4 बाई 3. सो 8th वन इज ऑल्सो डन फॉर यू. 10th वाला देख लेते हैं. 10th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? काफी सिंपल है. 2 1 बाई 7, सो व्हिच विल बी 15 बाई 7 माइनस 4 प्लस 1 5 बाई 2. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने वाले हम मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को. ये आ जाएगा 9 बाई 4 माइनस 7 प्लस 1 8 बाई 7, है ना? ये एलसीएम ले लेना आप. डिवाइड बाय दिस नंबर, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस हाफ. अब 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 बाई 2, रेसिप्रोकल 2 बाई 3. फिर एलसीएम लिया तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 बाई 3, तो ये हो जाएगा 8 बाई 3, तो रेसिप्रोकल 3 बाई 8. 8 टू 16, 16 प्लस 3 19. 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19 बाई 8. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 अपॉन 19 में. ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा डिवाइड बाय 8 अपॉन 19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 माइनस 35 बाई 14 अपॉन 63 माइनस 32 बाई 28. यस यस आर्यन सर, जो राइट हैंड साइड क्या वाला बताओ ना. राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तुम एक एक स्टेप करके अंडरस्टैंड करो. 2 माइनस हाफ कितना होगा? 3 बाई 2 होगा. रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 बाई 3 हो जाएगा. फिर 2 प्लस 2 बाई 3 सॉल्व, तो 2 प्लस 2 बाई 3 को अलग से सॉल्व कर लो तुम. 2 प्लस 2 बाई 3 कितना हो जाएगा? 8 बाई 3. 8 बाई 3 रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बाई 8. फिर 2 प्लस 3 बाई 8 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2 प्लस 3 बाई 8 कर रहे हैं, 19 बाई 8 हो जाएगा. यस सर, करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 19. यस सर, क्लियर? यस सर.
If I can do isko kya dega? Minus 5 by 14. And this will be simplified as 63 or 32. Ye kitna aa jayega aapke paas? 31 by 28. 14 1s are 14 2s are. Divide by. Agar 8 by 19 hai, toh multiply kar dete hai. 19 by 8 mein convert ho jayega. Sahi hai? Sahi aa raha hai. तीन बार टू है और माइनस हाफ है तो टू माइनस हाफ थ्री बाई टू टू बाई थ्री एक सेकेंड कहीं पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए एक बार रुको लेट मी चेक वंस मोर मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से यही बनना चाहिए ये लिखा हुआ है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस हाफ 2 माइनस हाफ बन जाएगा 3 बाई 2 2 बाई 3 हो जाएगा पूरा का पूरा अब 2 बाई 3 हो गया तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8 बाई 3 तो दिस विल बी सिंपलीफाइड एज 8 बाई 3 3 बाई 8 हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 3 19 by 8 तो ऊपर चला गया तो 8 by 19 हो जाएगा हाँ सही यही है और यहाँ पे 30 minus 35 so minus 5 by 14 63 7 9 is 63 minus 32 will give you 31 by 28 सही आ रहा है ये minus 7 by 31 19 by 8 ठीक है तो simplify होने पे क्या जाएगा 4 2 4 जा 2 5 जा तो ये आ जा रहा है माइनस ऑफ 85 19 5 जा 95 आ जाएगा माइनस 95 डिवाइड बाय 124 ये आ रहा है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना 15 बाय 7 एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया हमने 15 बाय 7 माइनस ऑफ 5 बाय 2 9 by 4 minus अच्छा अच्छा एक गड़बड़ छोटा सा हो गया यहाँ पे एक्चुअली प्लस का साइन है इधर प्लस हो गई है तो ये प्लस आ जाएगा ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये प्लस है तो प्लस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 5 by 14 और नीचे आ जाएगा 95 by 28 14 1 जा 2 जा divide by 8 upon 19 minus 10 by 95 into 19 upon 8 19 ones are 19 fives are 5 ones are 2s are 2 ones are 4s are so answer is minus 1 by 4 check kar le aap 10th bhi ho jayega aapka hai na 8 bhi ho gaya 10th bhi ho gaya 11 12 14 dekh lete hain 11, 12 और 14. अब 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो अच्छा 11 तो आपने 8 में किया हुआ है ना 0.53 का स्क्वायर लिखा है 2 into 0.53 into 0.41 plus 0.41 का स्क्वायर upon 0.53 minus 0.41 ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा है 0.53 minus 0.41 का स्क्वायर upon 0.53 माइनस 0.41 तो a माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b लिखा है तो एक फैक्टर तो कट जाएगा ना क्या लिखा है a माइनस b का स्क्वायर अपॉन a माइनस b तो एक a माइनस b बचेगा व्हिच इज 0.53 माइनस 0.41 कितना जाएगा 0.12 विल बी योर आंसर 12 देख लेते हैं 12 क्यों नहीं हुआ काफी सिंपल है 1 बाय 1 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3 क्या हो जाएगा 2 बाई 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 बाई 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 बाई 2 फिर एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 बाई 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये पूरा का पूरा 2 बाई 7 में 9 बाई 7 तो दिस इज योर आंसर 12th
12th भी हो गया आपका, 14 देख लेते हैं, 14 था ना, 14 14th भी बहुत सिंपल है, क्या लिखा है, 0.67 का क्यूब लिखा है, माइनस 0.001 अपॉन 0.67 का स्क्वायर प्लस 0.067 प्लस 0.01. अब अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो ये लिखा हुआ है 0.67 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, 0.001 है 0.1 का क्यूब, डिवीजन में क्या है 0.67 का स्क्वायर प्लस 0.67 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर. एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. फैक्टर कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी. ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने पढ़ा है 8th में, अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम पॉलीनोमियल्स में इसको फिर से पढ़ेंगे इस बार 9th ग्रेड में, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वही फैक्टर नीचे कट हो रहा है, तो 0.67 माइनस 0.1 विल गिव यू 0.57. कहीं पर भी किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. 11 डन, 12 डन, 14 डन, 17, 18, 19, 20. अच्छा चलिए, यस प्रतीक सर, 14 वाले में डिनोमिनेटर समझ में नहीं आया. डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में देखो प्रतीक, हमने क्या करा है, 0.067 को लिखा 0.67 इंटू 0.1 और 0.01 को लिखा 0.1 का स्क्वायर, और 0.67 का स्क्वायर तो लिखा हुआ ही था, ये बन गया यस सर ए बी और बी का स्क्वायर. यस सर, आ जाओ अब 17 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. देखो 17 में थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 17 का, 17 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा है अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए. सही है, यही चीज लिखी हुई है. तो थोड़ा एलसीएम ले लेता हूं मैं, क्या जाएगा ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 1 माइनस ए, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए. अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए से ऊपर नीचे इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 1 प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 माइनस ए प्लस, ये क्या हो जाएगा देखो रूट ऑफ ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ ए. तो होगा क्या, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ क्या बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो 1 माइनस ए बन गया. अब न्यूमरेटर्स को सिर्फ ऐड करना है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 माइनस ए, न्यूमरेटर ऐड हो गया 1 प्लस ए प्लस एप्पल एप्पल टू एप्पल्स माइनस ए माइनस 1, तो ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 2 रूट ए बाय रूट ए 1 माइनस ए, रूटे रूटे कट गया तो 2 अपॉन 1 माइनस ए बन गया आपके पास. इज इट क्लियर, समझ आ रहा है. इसको करने का एक शॉर्टकट बता दूं क्या आपको, देखो इसको करने का एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूं. दीप को कोई डाउट है क्या, दीप कोई डाउट है तुमको बेटा? नो सर, सर पहले था अभी ठीक है? यस सर. आप रेज हैंड करोगे तो मुझे शायद दिख सकता है, मैसेजेस में नहीं देख पा रहा हूँ. यस सर, ठीक है ठीक है, तो ये आपके पास आ गया. अब इसको करने का एक शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हो. देखो शॉर्टकट इज बाय सब्स्टिट्यूशन, हम क्या करते हैं एक ही जगह 4 रख लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया 4 का रूट इज 2
4 का पावर माइनस हाफ इज 1 बाई टू, 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 का पावर माइनस हाफ कितना आ जाएगा 1 बाई टू, 1 प्लस 2, ये क्या बन गया देखो 4 प्लस 1 5 बाई टू इंटू माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 3, ये क्या बन गया LCM में माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 3 टू 6 माइनस 4 बाई 6 विच इज माइनस 2 बाई 3। अब आप ऑप्शंस चेक कर लो, ए ऑप्शन क्या जाएगा 4 अपॉन 4 माइनस 1 नॉट पॉसिबल, नेगेटिव आंसर चाहिए हमको, तो 4 माइनस 1 बाई 2 नो, 2 अपॉन 4 माइनस 1 नो, 2 अपॉन 1 माइनस 4 हाँ यस। तो ये ऑप्शंस पुट करके देखा तो भी आ गया, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन देख लो आप, इसको नोट डाउन कर लेंगे पूरे के पूरे को, नोट डाउन कर लिया आपने। देखो अब 18th को करने का भी शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना आप। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे हम विद इन फ्यू सेकेंड्स करेंगे, देखो क्या लिखा है, अंडर रूट में x प्लस 4 लिखा है, अंडर रूट में x प्लस x माइनस 10 लिखा है, अंडर रूट में x प्लस 4 लिखा है, अंडर रूट में x माइनस 10 लिखा है, क्या लिखा है 5 बाई 2। अभी मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई कंपोनेंडो डिविडेंडो, आप ऐसा समझो ना ये कैपिटल x लिखा है कैपिटल y लिखा है, कैपिटल x लिखा है कैपिटल y लिखा है, तो क्या लिखा है कैपिटल x प्लस कैपिटल y, कैपिटल x माइनस कैपिटल y इज 5 बाई 2, यही लिखा है, समझ आ रहा है आपको। कैपिटल x मैंने किसको assumption करा है, रूट ऑफ x प्लस 4 को करा है, कैपिटल y मैंने बोल दिया रूट x माइनस 10 लिखा है, हम सिर्फ फोटो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से क्या करो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस x माइनस y, x प्लस y माइनस x प्लस y, तो ये सिंप्लीफिकेशन होके क्या आ जाएगा आपके पास 2 कैपिटल x अपॉन 2 कैपिटल y, विच मीन्स कैपिटल x अपॉन कैपिटल y, सही है। तो ये बन जाएगा कैपिटल x अपॉन कैपिटल y, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन किया वो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तो 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2 7 बाई 3, तो कैपिटल x क्या था x प्लस 4 था, तो ये रूट ऑफ x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 10 मेरे पास 7 बाई 3 आ गया। क्या मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 10 इज 49 बाई 9, मल्टीप्लाई कर दो अब तो, लीनियर इक्वेशन है 8th में करते थे आप, 9x plus 36 is equals to 49x minus 490. 40x is equals to 490 plus 36 is 526. X आ जाएगा 526 upon 40. जो फैक्टर है वो कैंसिल कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 263 upon 20. नोट कर लें आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो 18th हमने कर लिया है, अब मुझे नहीं लगता कोई और डाउट बचा हुआ है आपका, बचा हुआ है क्या सर? है ना 17 हो गया, 18 हो गया, 19 20 21 22, अच्छा देख लेते हैं इसको भी, 19 20 21 और 22 देख लेते हैं। यस बेटा प्रतीक, सर ये हमने शॉर्ट ट्रिक से कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप और फिर स्क्वेयरिंग करो और बहुत ज्यादा मेहनत करो, ट्रेडिशनल मेथड भूल जाओ, कोई ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे हम शॉर्टकट से ही करेंगे फटाफट, ट्रेडिशनल ओलंपियाड में। अब 19th क्वेश्चन कर लोगे आप ट्रेडिशनल, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, ए और बी ढूंढ लो, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी भी ढूंढ लोगे ना आप, तो 19th में आपको सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं फिर से, 20 21 और 22 देख लो। अब आप 20 में क्या लिखा है, व्हाट डिजिट एग्जिस्ट एट यूनिट प्लेस, 483 की पावर 82,
अब 483 की पावर 82 जब मैं करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या बचेगा उसके पास, तो क्या मैं बोल सकता हूं पीछे 3 है तो जो 3 का पावर होगा वही बचेगा लास्ट में, तो 3 का पावर 0 1 होता है, 1 3 होता है, 2 9 होता है, 3 27 होता है, 4 81 होता है, तो 4 के जितने मल्टीपल है सारों में 81 आएगा, 3 की पावर 5 कितना होगा 243, 729, 3 की पावर 4 n, 4 का मल्टीपल 1 देगा, 3 का पावर 4 प्लस 1 क्या देगा 3, प्लस 2 देगा 9, 7, फिर से वापस से क्या रिपीट हो जाएगा 4n प्लस 4 मतलब 4 का मल्टीपल 1 दे देगा, 82 आइडेंटिफाई कर लो क्या है,